Adobe Premiere के ऊपर अगर आपने हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट करना है तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। जिस आर्टिकल की कोई लाइन आपने हाईलाइट करनी है तो सबसे पहले आपने उस आर्टिकल को कैप्चर कर लेना है। सबसे पहले मैं इसका जो लोगो और जो इसकी मेन्यू बार है इसको मैं कर लेता हूँ सेव। इसी तरह से इसकी जो मेन हेडलाइन है इसको भी मैं यहाँ से कर लूंगा कैप्चर। और कैप्चर करने के लिए जो टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये एक फ्री टूल है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके बाद जो इमेज है इसको भी मैं कैप्चर कर लूंगा, और इसके बाद ये जो पूरा आर्टिकल है इसको भी मैं कर लूंगा कैप्चर। तो कैप्चर करने के बाद हम अपनी तमाम इमेजेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसको मैं कर लूंगा अलाइन। ये हमारी इमेज की लेयर है, तो यहां तक ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई सेट। इसके बाद मैं एक ऐड करूंगा कलर मेट। कलर मेट को ऐड करने के बाद इसका जो कलर है वो मैं इस बैकग्राउंड के साथ मैच कर दूंगा कलर पिकर के साथ। और एक कलर मेट हमारे पास क्रिएट हो गया, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो हमारे पास ये एक आर्टिकल का जो पेज है वो हमारे पास हो गया रेडी। तो अब हमें क्या करना है कि इन तमाम लेयर्स को मैं सेलेक्ट करके कर दूंगा नेक्स्ट। और यहाँ पर मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, और इसकी पोजीशन वगैरह अगर मैंने सेट करनी हो तो वो भी यहाँ से कर सकता हूँ सेट। अब हमें इसके ऊपर हाईलाइट इफेक्ट अप्लाई करना है, तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करने के बाद इसकी जो नेक्स्ट वाली फाइल है वहां पर आ जाएंगे। और जिस एरिया को हमने हाईलाइट करना है उसको पहले हम कर लेंगे जूम। अब मिसाल के तौर पर मुझे इस लाइन को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा शेप टूल। शेप टूल में जाकर यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दूंगा कुछ इस तरह से, और यहाँ से शेप सेटिंग में जाकर इसका कलर मैं कर दूंगा येलो, जो कलर भी आपने यहाँ पर रखना हो। इसके बाद इसके जो ब्लेंड मोड है ओपेसिटी में जाकर इसको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई। और अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि आपको ये आर्टिकल इस एरिया से लेकर यहाँ तक हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आपको पहले इसका एंकर पॉइंट सेट करना पड़ेगा। एंकर पॉइंट इसका ये है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस एंकर पॉइंट के ऊपर, तो आपको ये जो एक ब्लू कलर का जो एक एंकर है ये शो होगा। इसको आपने इसके लेफ्ट साइड पर रख देना है ताकि एनिमेशन जो है वो यहाँ से शुरू हो। आप देखिए अगर मैं इसको स्केल डाउन करूं तो ये देखिए ये इस बेस पर ये स्केल डाउन हो रहा है और इसी बेस पर ये स्केल अप होगा, लेकिन अभी ये प्रोपोर्शनली स्केल डाउन हो रहा है या स्केल अप होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्केल की जो प्रॉपर्टी है यहाँ से इसको हम कर देंगे अनचेक। यूनिफॉर्म स्केल हमें यूनिफॉर्म स्केल नहीं चाहिए, यानी यूनिफॉर्म स्केल से मतलब ये है कि इसकी जो हाइट और विड्थ है ये दोनों एक साथ छोटी हो रही है बड़ी हो रही है। फिलहाल जो इसकी विड्थ है हमें उसको कंट्रोल करना है, तो इसलिए हमने इसको अनचेक कर दिया है। हाइट को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, और यहाँ से जो इसकी विड्थ है इसको हम लगा देंगे की फ्रेम। तो की फ्रेम लगाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे इसके एंड में, और यहाँ से हम इसको कर देंगे स्केल विड्थ। यहाँ से ये 100 है, और इसके बिल्कुल स्टार्ट में जाकर इसको हम कर देंगे 0। अब अगर हम इसको प्ले करके देखें तो एनिमेशन हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और इसी तरह से आप इसको डुप्लीकेट करके नीचे वाली लाइन के मुताबिक इसको की फ्रेम दे देंगे। अब इस की फ्रेम को हमने अगर करना है स्मूथ, तो इसके ग्राफ एडिटर में जाकर हम इसको पहले तो ईजिंग कर देंगे, और फिर इसके बाद इस ग्राफ को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कि ये स्टार्ट में बिल्कुल फास्ट जाए और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो हो। तो इस ग्राफ को मैं पकड़कर इसको पीछे की तरफ ले आऊंगा कुछ इस तरह से। अभी देखें यहाँ से एनिमेशन फास्ट प्ले होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन हो जाएगी। इसको हम प्ले करके देखते हैं, तो ये देखें कि ये स्टार्ट में बिल्कुल फास्ट जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन हो रही है। तो ये हाईलाइट एनिमेशन हमारे पास हो गई तैयार। इसको हम कर देंगे फिट, और अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे बेसिक 3D। और बेसिक 3D के जरिए से हम इसको थोड़ी सी एनिमेशन दे देंगे कुछ इस तरह से। इसको हम कर लेते हैं स्केल को भी की फ्रेम दे देते हैं, और इसी तरह से टिल्ट, और इस तरह से डिस्टेंस इमेज को भी हम दे देते हैं की फ्रेम। इन सबको ले आते हैं स्टार्ट में, और यहां तक मैं चाहता हूं कि इसको हम एनिमेशन दें, तो इसके लिए हम इसको तो ये एनिमेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। और फर्दर इसको इन्हेंस करना चाहते हैं तो इस लेयर को डुप्लीकेट किया, और लेयर को डुप्लीकेट करने के बाद इसको हमने कर दिया स्केल अप,
और फिर इसकी ओपेसिटी में जाके इसको हम कर देते हैं 40%। तो इस तरह से इसका जो बैकग्राउंड का एरिया है ये थोड़ा सा फिल हो जाएगा, और मजीद इसको हम बेहतर बनाने के लिए इसके ऊपर लगा देंगे ब्लर, और ब्लर भी कैमरा ब्लर लगाएंगे। तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट पर जाए बगैर प्रीमियर के अंदर ही बिल्कुल सिंपल तरीके से हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसको अगर हम मजीद इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, इस लेयर को नेस्ट बनाकर इसके ऊपर मास्क लगाकर उसको एक बिल्कुल 3D टाइप की डेप्थ दे सकते हैं कि जिसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर करके जिस एरिया को हम फोकस में रखना चाहते हैं उसको हम मास्क आउट करके बिल्कुल एक 3D लुक दे सकते हैं, और हल्की सी कलर करेक्शन करके साउंड म्यूजिक इफेक्ट्स के साथ इसको हम मजीद डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के लेवल पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ इसमें ये हाईलाइट का इफेक्ट क्रिएट करना था वो मैं आपको बता चुका हूँ।